वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनाया है बिहार की ट्रेडिशनल डिश पीठा। इसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है, ये मसूर की दाल है और इसे हमने 4-5 घंटे पानी में डाल करके रख दिया था और ये फूल चुका है दाल और इसका पानी निकाल दिए हैं हम। और इसमें डालने के लिए ये अदरक है और लहसुन है, तो इसको हमने धोकर अच्छी तरह से काट लिया है। और सबसे पहले लेंगे मिक्सी का जार और उसमें हम ये डाल देंगे मसूर की दाल। तो दाल हम ये दो बार करके पीसेंगे, तो इसमें आधा दाल को हम डाल देते हैं और इसमें 2 चम्मच पानी डाल करके इसे पीस लेते हैं। तो देखिए दाल पीस चुकी है और बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट तैयार करना है। इसके बाद हम पीस लेंगे ये लहसुन और अदरक, तो इसे भी हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसको पीस लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो देखिए इधर गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है और इसमें तेल रख दिया था, तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे जीरा और जीरा हो जाएगा गोल्डन ब्राउन। फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें ये लहसुन और अदरक जो हमने पीस कर रखा हुआ है, इसे डाल देते हैं। तो ये देखिए जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जीरा हो गया है हमारा गोल्डन ब्राउन, इसमें डाल देते हैं ये अदरक और ये लहसुन का पेस्ट। और इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो देखिए अदरक और लहसुन को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और इसका कलर हो गया है चेंज और ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 चम्मच और इसके बाद डालेंगे हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे लाल मिर्च, इसके बाद डाल देंगे इसमें ये कश्मीरी मिर्च है और इसके बाद इसमें पानी डाल करके इसको पानी डालकर अच्छी तरह भून लेते हैं। तो देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और ये तेल भी साइड छोड़ दिया है। तो इसमें डालेंगे ये दाल जो हमने दाल पीस कर रखा हुआ है और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। टेस्ट के अकॉर्डिंग अब डाल देंगे इसमें नमक और आप चाहे तो इसे चने के दाल से भी बना सकते हैं, तो चने के दाल से बना ले या मसूर की दाल से बना ले। तो देखिए मेरा स्टफिंग तैयार है। अब इसमें लास्ट में हम ये धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने आटा को पहले ही से गूंद लिया था, ये गेहूं का आटा है नॉर्मल जिसकी रोटी बनती है। आप चाहे तो चावल के आटे में भी बना सकते हैं। तो इसके हम बना लेंगे छोटे छोटे पेरे। और इसे हम सूखे आटे में लपेट कर पूरी की तरह बेल लेते हैं छोटे छोटे। छोटे बड़े साइज आप जैसे भी चाहे बना सकते हैं। और इसके अंदर ये स्टफिंग डाल करके इसे हम तैयार कर लेंगे। और इसे हम गुजिया की तरह से चिपका देते हैं। देखिए इसी तरह करके हम सारा तैयार कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको हम आगे का प्रोसेस। तो देखिए हमने सारे अखाड़ा को तैयार कर लिया है और इसे पीठा भी बोलते हैं। वैसे तो ये बिहार का डिश है लेकिन इसे बहुत लोग पसंद करते हैं। तो देखिए इधर हमने पानी भी रख दिया है उबलने के लिए और पानी हमारा उबलना शुरू हो चुका है। और तब तक हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक छन्नी लेंगे और छन्नी को हम इसे ग्रीस कर लेते हैं
ताकि चिपके ना। अगर आपके पास एक छन्नी नहीं है तो आप इडली वाले मेकर में बना सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे सारे फड़े को। अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप चाहे तो पानी के अंदर भी डालकर उबाल सकते हैं, डायरेक्ट पानी के अंदर डाल करके। उबलने लगा है तो इसको हम रख देते हैं छन्नी को इसके ऊपर, और इसे 10 से 15 मिनट तक इसे ढक करके हम पका लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ढक्कन हटा के हम चेक कर लेते हैं। एक साइड से ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है, अब हम इसे पलटकर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो हम ये सारे को ऐसे दूसरी साइड से भी पलट लेते हैं। तो देखिए हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म है तो ये बनके रेडी हो गया है, अब हम इसे उतार लेते हैं। तो इधर हमने गैस पे रख दिया कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे ये ऑलिव ऑयल 2 चम्मच, और 2-3 को मैं फ्राई करूंगी, बाकी ऐसे ही रखूंगी। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर आपको फ्राई करके खाना है तो आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जीरा चटक गया है, अब इसमें डाल देंगे हम, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से उलट पलट कर। तो ये जो है ये फ्राई किया हुआ है, और ये बगैर फ्राई का है, तो आप जैसा आपको समझ आए तो वैसा बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता दी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसकी बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली कोई भी रेसिपी आप मिस ना कर पाएं।